खबर उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जनपद से, जहां खलीलाबाद नगर पालिका के जिम्मेदार न्यायालय के चंगुल में फंस गए हैं। दरअसल एक अधिवक्ता की जमीन पर अवैध रूप से कार्य करना नगर पालिका के जिम्मेदारों पर इतना भारी पड़ गया कि नगर पालिका के जिम्मेदारों को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने तलब कर लिया। खलीलाबाद नगर पालिका क्षेत्र के मनियाबारी मोहल्ले के निवासी अधिवक्ता रमन राय ने न्यायालय से गुहार लगाया कि नगर पालिका के जिम्मेदारों के द्वारा अवैध तरीके से बिना सूचना दिए उनके निजी जमीन पर अवैध तरीके से कार्य करवा रहे। मामले में न्यायालय ने प्रमुखता से संज्ञान लेते हुए तत्कालीन तहसीलदार राजेश अग्रवाल व अधिशासी अधिकारी प्रदीप शुक्ला को तलब करते हुए हाजिर व अग्रिम कार्रवाई हेतु तलब किया है। दरअसल आपको बताते चलें कि अधिवक्ता रमन राय के निजी जमीन पर तहसीलदार व अधिशासी अधिकारी द्वारा अवैध तरीके से सड़क का निर्माण कराया जा रहा था और उनके निजी जमीन में क्षति पहुंचाई जा रही थी। हस्तक्षेप करने के बावजूद जिम्मेदारों ने उन्हें जानकारी नहीं दी, जिसके बाद अधिवक्ता के द्वारा न्यायालय का दरवाजा खटखटाया गया। न्यायालय ने मामले को गंभीरता से संज्ञान में लेते हुए अधिकारियों को अपना पक्ष रखने के लिए तलब किया, लेकिन देखना होगा कि आखिरकार अधिकारी अपनी जिम्मेदारी का कैसे निर्वहन करेंगे। ये मामला ये था कि फरवरी 2021 में मेरी एक अराजी संख्या 212 जो विद्यानी गांव में है, उसमें जो है राजेश अग्रवाल और ईओ मेहदावल प्रदीप शुक्ला, इन्होंने बिना किसी लिखित आदेश के और बिना हम लोगों की जानकारी और सहमति लिए उस पे तोड़फोड़ किया था। उस ज़मीन पे जो है हरे पेड़ लगे हुए थे, कटीले तार लगे हुए थे। उस समय मैं जिला एवं सत्र न्यायालय में प्रैक्टिस कर रहा था, तो उस दिन फरवरी 2021 में मेरे बड़े भाई राहुल राय और रंजन राय मौके पे पहुँचे थे और उन्होंने घटना के संबंध में जानकारी दी थी। उन्होंने जो है राजेश अग्रवाल और ईओ प्रदीप शुक्ला से रिक्वेस्ट किया था कि जो चीज़ें आप कर रहे हैं या तोड़फोड़ कर रहे हैं हम लोग की ज़मीन पे, उसका कोई लिखित आदेश दे दीजिए। लेकिन उनके द्वारा कोई लिखित आदेश नहीं दिया गया, वरन यही कहा गया कि यह इसके संबंध में आप डीएम महोदया दिव्या मित्तल से जानकारी प्राप्त कर लीजिए। हमारे भाइयों के द्वारा ये कथन किया गया कि चूंकि तोड़फोड़ का कार्य आपके द्वारा किया जा रहा है तो इसके संबंध में जानकारी आपको होगी, लेकिन उन्होंने अपने लोक सेवक होते हुए और पद का दुरुपयोग करते हुए मनमाने तरीके से हमारी ज़मीन जो अराजी नंबर 212 विद्यानी में स्थित है उसमें तोड़फोड़ किया। उसके कई पेड़ों को उन्होंने गिरा दिया, एक फुट अंदर ज़मीन में जा कर के जो है खुदाई किया जेसीबी से, जिसका जो है हमारे पास पुख्ता प्रमाण भी है और उसके बाबत हमने माननीय सीजीएम महोदया के समक्ष एक परिवाद दाखिल किया था, जिसमें 1 दिसंबर 2021 को ईओ मेहदावल प्रदीप शुक्ला और राजेश अग्रवाल जो उस समय के तात्कालिक तहसीलदार थे, इनको जो है धारा 166 और 427 भारतीय दंड संहिता के तहत तलब कर लिया गया है। मूल रूप से यही कहानी है।